इंग्लिश का हम लोग शुरू कर रहे हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हम लोग टेंस और नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में भरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ये होता है। चलिए, और इसका क्विज होगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पिछले वीक टेलीग्राम पर कोई क्विज नहीं हो पाया है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से शुरू हो जाए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है और इसके चार ऑप्शन भी हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है कि हिज वॉइस वाज ब्लैंक बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। समझ रहे हो, वाक्य के पहले भाव को समझिए कि क्या कह रहा है। कि उसकी आवाज़ हेलीकॉप्टर के आवाज़ के द्वारा क्या हो गया, वो दबा दी गई, यही होगा, ठीक है ना। इसके चार ऑप्शन हैं भाव के अनुसार, ड्रिवन, डॉन्ड और ड्रॉन और ड्रॉन्ड, ठीक है। देखिए, इसका होता है आपका ड्रॉन्ड, मतलब डुबा देना, दबा देना। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। भाव के अनुसार ही हम देखें, ड्राइव मतलब चलाना होता है, डॉन मतलब आपका शाम हो जाना, ड्रॉन मतलब खींचना और ड्रॉन मतलब दबा देना। देखिए, एक जैसा सभी का हो रहा है, वो क्या कहते हैं, आवाज़ एक जैसा ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ड्रॉन होगा, हेलीकॉप्टर के आवाज़ के द्वारा उसकी आवाज़ क्या हो गई, दबा दी गई। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे। क्या कह रहा है कि आप मुझे एक दिन के लिए अपना किताब या बुक दीजिएगा, यही कह रहा है ना। तो इसके साथ हमेशा वुड का प्रयोग होगा। कहाँ पर, वुड पे, पोलाइट रिक्वेस्ट, जहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पर हमेशा वुड का प्रयोग होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है, द बस ब्लैंक बिफोर आई रीच द बस स्टैंड। ये है आपका, देखिए, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है ना। इसमें से दो काम होता है, इसमें दो काम होता है, पहला और दूसरा। देखिए, भूतकाल में मानिए कोई दो काम होता है, यहाँ पर दोनों भूतकाल में ही है, ठीक है ना। तो जिनका आपस में संबंध हो, ठीक है, दो काम हो रहा है और आपस में दोनों का क्या है, संबंध है। तो जो काम पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में, जो काम पहले हुआ है, ठीक है, तथा जो काम बाद में हुआ है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। भूतकाल में दोनों काम होने चाहिए, अगर पहला काम जो कि पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और जो बाद में हुआ उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो देखिए, द बस क्या हो जाएगा, बिफोर आई रीच द बस स्टैंड, कह रहा है कि मेरे बस स्टैंड पहुंचने से पहले बस क्या हो गई थी, खुल गई थी। तो पहला काम तो बस का खुलना हुआ, तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो इसमें पहचानिए पास्ट परफेक्ट कौन सा होगा, वो तो पास्ट परफेक्ट होगा हैड लेफ्ट, ठीक है ना। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, मेरे बस स्टैंड पहुंचने से पहले बस क्या हो गई थी, खुल चुकी थी, ठीक है। आई रीच्ड द बस स्टैंड आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस ये था। आगे बढ़ते हैं, आई समथिंग वर्निंग नाउ। देखिए, सिंपल है, ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वर्ब का पहला फॉर्म होगा वो, आई स्मेल समथिंग वर्निंग नाउ, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला, आई एम श्योर आई देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट से मतलब क्या समझ में आ रहा है, कि ये पास्ट में है, जो सेंटेंस है आपका पूरी तरह से पास्ट में है। तो इसलिए वाक्य में क्या होगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा वो, ऐसे क्या है, यहाँ पर देखिए सी है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये आपका परफेक्ट में चला गया, ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूस में चला गया। अच्छा, पास्ट में है आपका, मेरे ख्याल से तो इसमें होना चाहिए सॉ, ठीक है ना, वर्ब का दूसरा फॉर्म पास्ट में है, तो वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा, तो इसका होगा आई एम श्योर आई सॉ देम एट द पार्टी लास्ट नाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। मोर देन हाफ द ड्रेन बीन डेसिलेटेड, मतलब कि ध्वस्त कर देना। देखिए क्या है, इसमें आपका है कि मोर देन हाफ द ड्रेन, मतलब कि आधे से ज़्यादा नाला, ये तो सिंगुलर हो गया आपका, सिंगुलर नंबर हो गया वो, इसलिए वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर आएगी, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये मेरे ख्याल से आपका, देखो ध्यान से, तो पैसिव वॉइस में है, तो इसकी जगह आपका आ जाएगा हैज़। मोर देन हाफ द ड्रेन हैज़ बीन डेसिलेटेड, ठीक है, आधे से ज़्यादा नाला क्या हो चुका है, ध्वस्त किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, द डॉक्टर ऑफन मेड हिज पेशेंट फॉर लॉन्ग। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है ना कि आपका मेक और लेट के बाद, देखिए यहाँ पर मेक है,
मेड है लेकिन मेक अप समझिए इसके, मेक और लेट के बाद, मेक हो या फिर लेट हो, इसके बाद बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग किया जाता है। वेयर इन्फिनिटी मतलब टू का इसमें प्रयोग नहीं होगा वो, ठीक है ना। इंतजार करवा रहा है डॉक्टर पेशेंट को, तो यहाँ पर हम ऐसा होगा, क्या होना चाहिए आपका, वेट होना चाहिए, टू वेट नहीं होगा वो, ठीक है। मेक और लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटी आता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आगे है, वी शुड नेवर विथ द रूल्स ऑफ ड्राइविंग। देखिए यहाँ पर बस भाव ही समझना आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले समझिए क्या क्या होता है आपका, ये देखिए। टेम्पर मतलब होता है मनोवृत्ति, मतलब कि आपका भी मूड कैसा है। ट्रिफल, ट्रिफल मतलब क्या होता है, नष्ट करना। और रेकॉन मतलब होता है आपका गणना करना, गणना करना। और एक होता है आपका टेम्पर, टेम्पर मतलब क्या होता है, छेड़ना या फिर हस्तक्षेप करना, ठीक है ना। तो क्या करा हम लोग, ट्रैफिक रूल से कभी भी क्या करेंगे, मनोवृत्ति तो होगा नहीं, नष्ट करना भी नहीं होगा, गणना करना भी नहीं होगा, होगा आपका टेम्पर, या फिर उसको क्या कहते हैं, टेम्पर मतलब कि बिगाड़ देना। तो आपका डी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला है, द नेशनल वार मेमोरियल इज टू ऑनर आवर आर्म्ड फोर्स। देखिए आर्म्ड फोर्स के साथ हमेशा क्या होता है आपका, इंस्क्राइब नहीं होगा, ऑन ऑनर्ड होना चाहिए आपका। देख लेते हैं आपका इसका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। द नेशनल वार मेमोरियल, डिवोटेड मतलब क्या होता है आपका, डिवोटेड मतलब होता है वफादार, ठीक है। इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब होता है आपका अंकित, अंकित करना, ठीक है। ऑनर्ड मतलब होता है सम्मानित करना, ठीक है ना। सम्मानित किसको किया जाता है, आर्म्ड फोर्सेज को किया जाता है, तो ऑनर्ड इसका सही उत्तर होगा। वो सॉरी ऑनर्ड नहीं होना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ, एक डेडिकेटेड हो गया, डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित करना, तो आपका डेडिकेटेड सही उत्तर होगा, बी है। मैं ये भी समझ लिया, ठीक है ना, बी ऊपर नीचे हो गया, तो डेडिकेटेड टू आवर आर्म्ड फोर्सेज हो जाएगा आपका सही उत्तर, समर्पित करना, ठीक है। ए पेंटिंग कंपटीशन, ऑप्शन फिर ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं हम देख लेंगे। ए पेंटिंग कंपटीशन वाज हेल्ड इन द कॉलोनी एंड काव्या वाज खाली स्थान विनर इन द एज ऑफ ग्रुप 3 to 5 ईयर्स। देखिए क्या है, पहला है आपका पब्लिसाइज्ड, देखिए क्या होता है, पब्लिसाइज्ड मतलब होता है आपका किसी वस्तु को प्रचारित करना, प्रचारित करना, ठीक है। सपोज्ड मतलब होता है मानना, डिस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है आपका, वर्णन करना विस्तार में, और डिक्लेयर्ड मतलब होता है घोषणा करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, विनर को घोषित किया जा रहा है, तो काव्या को क्या किया जाएगा आपका, डिक्लेयर्ड किया जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे देखते हैं, इन द वेक ऑफ द रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशन, मतलब कि बॉर्डर पर तनाव के देखते हुए, फोर्सेज हैव बीन, सिंपल है, डिप्लॉयड होगा इसका सही उत्तर। फोर्स को क्या हो जाता है, हमेशा डिप्लॉय ही किया जाता है। डिपोर्ट मतलब क्या होता है आपका, निर्वासन, निकाल देना। डिपॉजिट मतलब क्या होता है आपका, निफेचित, निक्षेपित या फिर जमा करना। और डिपोर्टेड तो आपका यही आपका सही है, ठीक है ना। ऑप्शन ए और डी दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन सॉरी बी आ रहा है ना, डिपोर्टेड, डिप्लॉयड होगा इसका सही उत्तर, और डिपोर्टेड तो ऑप्शन ए और डी दोनों में आ गया, दोनों एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो आप आर्मी को हमेशा क्या होता है, फोर्सेज को हमेशा डिप्लॉय किया जाता है। आगे देखते हैं, आई सेट माई लाइफ एज नथिंग सिम टू बी वर्किंग फॉर मी, समझ सकते हो। मैं अपनी लाइफ मतलब क्या किया कि हम मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। वो आई सेट कर्सिंग माई लाइफ, कर्सिंग मतलब अभिशाप देना, मतलब कि कोसते रहना, मैं अपनी लाइफ को कोसते रहा कि ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी में मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। ब्लेसिंग मतलब क्या होता है आपका, आशीर्वाद या फिर शुभकामना कह सकते हो। टर्मेंटिंग है आपका, टोरमेंटिंग, टोरमेंटिंग मतलब होता है कष्ट पहुंचाना, टोरमेंटिंग मतलब कष्ट पहुंचाना। और इनवोकिंग मतलब होता है विनती करना, विनती करना या फिर आह्वान करना। तो कर्स मतलब होता है कोसना, अभिशाप देना, ये सब आपका कर्सिंग का मतलब होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। भाव के अनुसार बस टेंस में नंबर, आप टेंस और नंबर को भर सकते हो। आई एम क्विट सेटिस्फाइड डैट आई हैव नॉट बीन डूइंग वाट एवर वॉज नीडफुल फॉर बिल्डिंग अप देयर कैरेक्टर, ठीक है ना।
मैं इसमें भाव को समझिए क्या कह रहा है कि आई एम क्वेट सेटिस्फाइड डैट आई हैव नॉट विन, मतलब कि मैं पूरी तरह से ये क्या है कि सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ कि मैं उतना नहीं कर सका उन लोगों के करेक्टर को बनाने के लिए। इसमें क्या हो जाएगा आपका, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड डैट आई हैव नॉट विन, आपका हो जाएगा नेग्लिजेंट, मतलब बेपरवाह था। अच्छा, अब इसका उत्तर, अब इसका भाव समझ में आ गया कि क्या कह रहा है कि मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ कि मैं उतना बेपरवाह नहीं रहा हूँ उन लोगों के कैरेक्टर को बनाने में। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर, यानी कि उसने अपना पूरी तरह से समर्पित किया अपने आप को। केयरिंग मतलब क्या होता है, परवाह करने वाला, नेग्लिजेंट मतलब होता है बेपरवाह, मैं बेपरवाह नहीं था, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि मैंने उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए पूरा जितना हो सकता था मैंने किया। ठीक है, और अफेक्शनेट मतलब क्या होता है आपका, स्नेही, और डिवोटेड मतलब होता है समर्पित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलर्स दे से हैव द पावर टू काम पेसिफाई एंड रिलैक्स, दे कैन इनर्जाइज एक्टिवेट एंड इनविगोरेट। इनविगोरेट मतलब क्या होता है, इनविगोरेट मतलब होता है सबल बनाना, अंदर से मजबूत होना। ठीक है ना, कलर्स जो होते हैं ना वो हमें क्या करते हैं, पावर देते हैं, शांत बनाते हैं, ठीक है, रिलैक्स फील कराते हैं, अंदर से मजबूत बनाते हैं हमें। ठीक है ना, और इंटरेस्ट मतलब क्या होता है आपका, रुचि, इंटरेस्ट मतलब होता है आपका रुचि। इन्वॉल्व मतलब क्या होता है, शामिल होना, आधे से ज़्यादा मीनिंग तो आपको यही याद हो जाएंगे। और इनरेज मतलब होता है क्रुद्ध, क्रुद्ध होना मतलब गुस्सा होना कह सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एंशियंट ग्रीस वुमेन वेयर नॉट अलाउड टू, इन द ओलंपिक गेम्स वुमेन वेयर नॉट अलाउड टू कम्पीट, कम्पीट मतलब क्या होता है, मुकाबला करना। इसका सही उत्तर ए है। और कॉम्प्लाई मतलब क्या होता है, कॉम्प्लाई मतलब होता है स्वीकार करना। कोलाइड मतलब होता है आपका टक्कर, ऑप्शन आगे पीछे हो गया। और कोक मतलब होता है आपका मुकाबला करना। ठीक है, लेकिन कोप का मतलब ही मुकाबला करना, और कंपीट का मतलब ही मुकाबला करना, लेकिन क्या हो रहा है, ओलंपिक गेम्स हो रहा है, तो गेम्स में हमेशा क्या होगा, कंपीट ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू इन न्यू प्लेस यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वे ऑफ द कल्चर। ठीक है ना, क्या होगा, एक नए प्लेस में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उस कल्चर के अनुसार अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एडाप्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एडाप्ट मतलब क्या होता है, अनुकूल हो जाना, जैसा सोसाइटी है, कल्चर है, वैसा हम अपने आप को अनुकूल करने। अवॉइड मतलब क्या होता है, टालना। एडॉप्ट मतलब क्या होता है, एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना, अपनाना मतलब कि जैसा कल्चर है हमने वैसा उसको अपना लिया, लेकिन अपनाना नहीं, हमें उसके अनुसार अपने आप को ढालना है। और एडहीर मतलब होता है पालन करना। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग डिटेल्ड डेलीवरेशंस द मीटिंग द फॉलोइंग डिटेल्ड डेलीवरेशंस द मीटिंग हैज बीन, क्या हो गया, मीटिंग को क्या कर दिया गया है, एडजर्न कर दिया गया है। ठीक है, मीटिंग को कैंसिल नहीं किया जाता है, रिव्यू भी नहीं किया जाता, प्रपोज भी नहीं, एडजर्न किया जाता है। अब देखिए सभी के मीनिंग देख लेते हैं। प्रपोज्ड मतलब क्या होता है, प्रस्तावित, और रिव्यूड मतलब होता है आपका समीक्षा करना, किसी चीज़ को देखना और उसके बारे में सोचना ये कैसा है। कैंसल्ड मतलब होता है आपका रद्द करना, और एडजर्न मतलब होता है स्थगित करना। ठीक है ना, मीटिंग और कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं वो उसमें एडजर्न का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिमा दास द रीनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर हु, क्या होगा, नेशनल रिकॉर्ड हु, क्या हो जाएगा, होल्ड्स द नेशनल रिकॉर्ड होगा आपका, हु होल्ड्स द नेशनल रिकॉर्ड मतलब धारण करना। ठीक है ना, नेशनल रिकॉर्ड को उसने धारण किए हुए। किप्स मतलब होता है रखना, गेट मतलब पाना, और प्ले मतलब तो आपको पता ही है, खेलना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। द एक्सीडेंट विक्टिम टू हिज इंजरीज बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। बस ध्यान से समझिए कि भाव क्या कह रहा है इसका। द एक्सीडेंट विक्टिम क्या हो जाएगा आपका, पहले तो सभी का आपको हिंदी पता होना चाहिए कि क्या कह रहा है वो। देखिए इसमें पहला आपका क्या है, अस्कम्ड, अस्कम्ड मतलब होता है आपका मर जाना, और है आपका सरेंडर, सरेंडर मतलब होता है आत्मसमर्पण। ठीक है, सब्सक्राइब्ड मतलब होता है आपका स्वीकार करना, ग्राहक बन जाना, और सबमिटेड मतलब होता है आपका समर्पण, समर्पण करना, पेश करना, सबमिट किया।
ठीक है ना। तो क्या होगा, जो एक्सीडेंट का विक्टिम था अपने इंजीनियरिंग के कारण, क्या होगा आपका, वो मर गया। ऑप्शन ए सही उत्तर है। द टेक्नोलॉजी कैन बी क्या हो जाएगा, एडिक्टिव, इन्फेक्चुएटेड, ठीक है, इनकॉरिजिबल, कॉन्टेजियस। टेक्नोलॉजी क्या होगा आपका, टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम हिंदी समझ लें, एडिक्टिव मतलब लत, इन्फेक्चुएटेड मतलब होता है आपका मुग्ध, मुग्ध होना, और इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल मतलब होता है आपका असंशोधनीय, और कंटेजियस मतलब होता है आपका संक्रामक। तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या हो सकता है, एडिक्टिव हो सकता है, उसकी हमें लत लग सकती है, ठीक है ना। हमेशा क्या देखे होगा, पीपुल सीम टू बी मोर अटैच टू अ स्क्रीन देन एवर बिफोर। पहले एक दूसरे से बात भी करते थे, लेकिन अब तो हमेशा आंख स्क्रीन पर ही होता। ऑप्शन ए सही उत्तर है। पीपुल ऑफ द ओल्डर जनरेशन ओवर द गुड स्कूल डेज। देखिए क्या होता है, ओल्डर जनरेशन वाले जो लोग हैं ना, वो स्कूल डेज को याद करके क्या होते हैं, देखिए रिमेम्बर मतलब क्या होता है, याद करना, और होता आपका रिमाइंड मतलब याद दिलाना, रिट्रीब्यूट मतलब होता आपका श्रद्धांजलि, और रिमिनिस मतलब होता है आपका बीते हुए खुशी के बारे में लिखना, सोचना व बातें करना। तो ओल्डर जनरेशन के क्या थे आपके, ओवर द गुड स्कूल डेज रिमिनाइज, क्या होगा इसमें, बीते हुए खुशी के समय के बारे में लिखना है। वो लिखते हैं हमारे स्कूल के दिन ऐसे थे, हम ये करते थे, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है ना। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट नॉट बींग एबल टू ऑफ माई ओल्ड कार। मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट था क्योंकि मैं अपने ओल्ड कार को क्या नहीं कर पाया, देखिए डिवॉइड, डिवॉइड मतलब क्या होता है, रहित, डिस्पोज मतलब क्या होता है आपका, ठिकाना लगाना, डिपोज है ये तो आपका, डिस्पोज मतलब होता है आपका अपदस्थ करना, डिस्पोज मतलब होता है आपका ठिकाना लगाना, डिपोज मतलब होता है आपका अपदस्थ करना, किसी अधिकारी को अपदस्थ करना, डील मतलब होता है सौदा करना। तो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट था क्योंकि मैं अपने कार को ठिकाना नहीं लगा पाया। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रैक्टिस के साथ आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होगा। द कमिटी मेंबर्स वेयर इन, किसमें थे कमिटी मेंबर, वेयर इन ओवर द बजट फॉर द फंक्शन। कमिटी मेंबर, कमिटी मतलब कि बहुत सारे लोग होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, पहला डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है आपका DIFFERENCE, डिफरेंस मतलब होता है भिन्नता, ठीक है। और एक होता है आपका डिफरेंस, देखिए दोनों में अंतर है, ये होता है सम्मानित करना, सम्मानित करना। दोनों का मैं स्पेलिंग देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा, सिर्फ एफ का फर्क है वो। और होता है डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है वंश या परंपरा, और डिसेंट मतलब एक होता है आपका असहमत, ठीक है। द कमिटी मेंबर बजट के फंक्शन पर क्या थे, आपस में असहमत थे, डिसेंट, DISENT। अगला है आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। द बर्निंग ऑफ द इफिगी ऑफ रावण ऑन द सहरा क्या होता है, द बर्निंग ऑफ ऑल इविल्स। देखिए दशहरा पर जो हम लोग रावण का पुतला जलाते हैं, उसके बारे में ये क्या है, दशहरा में रावण का जलाना वर्निंग ऑफ ऑल इविल्स मतलब कि सभी बुराइयों को जला देने का क्या है, वो एक प्रतीक है। तो देखिए प्रतीक इसमें कौन सा आपका आ जाएगा, एक है आपका एपिटोमाइज, एपिटोमाइज मतलब होता है साकार, साकार रूप, सिंबलाइज मतलब होता है आपका वही प्रतीक होता है, और पर्सनफाइज मतलब होता है आपका साक्षात, और इंटेंसिफाई मतलब होता है आपका तीव्र, तेज, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, प्रतीक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला आपका, द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड डैट इट कुड नॉट द इंक्रीज इन द टीचर सैलरी एज अवार्डेड बाय द कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि सैलरी सैलरी को बढ़ा दो, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, इट कुड नॉट। सबसे पहले सभी का स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेयर मतलब क्या होता है, अतिरिक्त, स्टैंड मतलब क्या होता है आपका, खड़ा होना, साथ खड़ा होना कह सकते हैं, गेट मतलब पाना, और एफोर्ड मतलब होता है आपका समर्थ होना। अब देखिए यहाँ पर कौन सा होगा, कि स्टेट गवर्नमेंट ने आर्गू किया कि इट कुड नॉट अफोर्ड, अफोर्ड अफोर्ड मतलब कि समर्थ नहीं हो सकता इनक्रीज इन द, अगर टीचर की सैलरी को बढ़ा दिया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट समर्थ उतनी नहीं होगी। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ये लास्ट है इसका, आप बताइए क्या होगा। द साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर क्या
क्या कर रहे हैं वो, हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। देखिए सबका हिंदी में बता देता हूँ, स्क्रूटनाइजिंग मतलब होता है देखना या ताकना, इंस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है आपका निगरानी करना, और इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब होता है जांच करना, और लुकिंग का मतलब होता है देखना। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए, मैं जो इसका जो जिसका सही उत्तर होगा उसके मैं बाय बाय दूंगा, शाबाशी दूंगा, लाइक कर दूंगा, ठीक है। तो एक लाइक कर जरूर करते जाइए, और इसका क्विज टेलीग्राम पे होगा, अब डेली क्विज होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी हम आगे सिलेबस को ख़त्म करेंगे, तब तक आपके एग्ज़ाम के लिए आपको गुड लक, थैंक यू।